जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक राज्य को फिर से वंदे भारत की सौगात इंडियन रेलवे देने वाली है। साथ ही इंडियन रेलवे तीन रूटों को डिसाइड किया है। रूट भी मैं आपको बताने वाला हूं कि वो तीन कौन से रूट हैं जिस पर इंडियन रेलवे मंथन कर रही है वंदे भारत चलाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी और राज्य के नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस राज्य को मिलने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देश भर में ज्यादातर राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत तो हो चुकी है। कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाली इस ट्रेन का काफी चर्चाएं हैं। अब इस राज्य दूसरी वंदे भारत मिलने वाली है। भारतीय रेलवे जल्द ही केरला को एक नई वंदे भारत की सौगात दे सकती है। सूत्रों की माने तो दक्षिण रेलवे को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई से एक नया डिजाइन किया गया है, जो की 8 रैक वाली आवंटन किया गया है। रेलवे ने नए रैक के लिए मुख्य रूप से 3 मार्गों पर विचार किया है। ये तीन मंगलूर एर्नाकुलम या मंगलूर तिरुवंतपुरम या मंगलूर मडगांव और चेन्नई तिरुनेलवेली प्रस्तावित मार्गों में से एक है। ट्रेन को मंगलूर और एर्नाकुलम के बीच चलाए जाने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मंगलूर इसे पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में लॉन्च की गई कासरगोड से तिरुवंतपुरम ट्रेन देश में चल रही है। ट्रेनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है। हाल ही में इस वंदे भारत की 183% की औसत ऑक्यूपेंसी थी। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत साल 2019 में तब हुई थी जब दिल्ली वाराणसी के बीच इसे चलाया गया था। शताब्दी एक्सप्रेस से कम एक कदम आगे ये ट्रेन दिन की ट्रेन सेवा है, जो कि प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ती है। जो एक दिन से भी कम समय की दूरी पर इस ट्रेन की सबसे अधिक स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि विभिन्न रूटों पर ट्रैकों के बेहतर नहीं होने की वजह से औसत स्पीड 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच इसे चलाया जाता है। रेलवे कई रूटों पर ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, जिसमें आने वाले समय में वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों को भी तेज गति से चलाया जा सकता है। जब वंदे भारत की शुरुआत बात चल रही थी तब इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था। हालांकि बाद में इसे बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। इस समय में देश के सभी राज्यों को वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। इन ट्रेनों को RDSO द्वारा डिजाइन किया गया है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा निर्मित किया गया है। 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की लागत लमसम 115 करोड़ का गया। तो दोस्तों बहुत जल्द इस रूट पर वंदे भारत की सौगात इंडियन रेलवे देने वाली है, जिसमें वो अभी तीन रूट डिसाइड किया है। इस पर एक रूट पर वंदे भारत चलने की संभावना जताई जा रही है और इस पर बहुत जल्द आपको वंदे भारत की सौगात मिलने वाली। दोस्तों लमसम 2 महीने का समय हो चुका है, अभी भी एक भी वंदे भारत की लॉन्चिंग इंडियन रेलवे नहीं कर पाई, लेट हो रहा है। लेकिन एक साथ इंडियन रेलवे बहुत वंदे भारत की लॉन्चिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है, वो समय लमसम आ चुका है। लमसम इसी महीने में आपको ये सारे लॉन्चिंग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो रूट मैंने आपको बताया है, इस रूट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।